बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट नंबर 13, लेक्चर नंबर 3, पेज नंबर 126। मोर ओवर, वेरियस अथॉरिटीज एंड एजेंसीज यूटिलाइज द पावर ऑफ मीडिया टू स्प्रेड इनफॉर्मेटिव मैसेज टू पब्लिक। इसके अलावा वेरियस अथॉरिटीज एंड एजेंसीज, मुख्तलिफ एजेंसियां यूटिलाइज द पावर ऑफ मीडिया, वो मीडिया के ताकत को इस्तेमाल करती है टू स्प्रेड इंफॉर्मेटिव मैसेज टू पब्लिक, मालूमाती पैगामात लोगों में पहुंचाने के लिए। इसके अलावा मुख्तलिफ हुकूमती और एजेंसियां मीडिया की क़ुव्वत को इस्तेमाल करती हैं लोगों में मालूमाती पैगामात फैलाने के लिए। दिस में इंक्लूड वार्निंग अगेंस्ट ए स्टॉर्म और एपिडेमिक, डिले इन अराइवल और डिपार्चर ऑफ फ्लाइट एंड ट्रेन्स। दिस में इंक्लूड, इसमें तूफ़ान या किसी वबाह के बारे में इंतबाह, वार्निंग। डिले इन अराइवल और डिपार्चर ऑफ फ्लाइट्स एंड ट्रेन। मुख्तलिफ पैगामात जहाज़ों और ट्रेनों की आमद रप में ताहीर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इसमें तूफ़ान या किसी वबाह के बारे में इंतबाह, जहाज़ों और ट्रेनों की आमद रप में ताहीर वगैरह शामिल हैं। इन सम केसेस इट इज़ लीगली बाइंडिंग टू पब्लिश नोटिस इन न्यूज़पेपर लाइक टेंडर, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्सेट्रा। बाज़ मामलात में ये कानूनी तौर पर लाजिम है, लीगली बाइंडिंग कानूनी तौर पर लाजिम है कि कुछ खास नोटिस अखबार में शाया की जाए, जैसा कि टेंडर, जायदाद की तब्दीली या मलकियत वगैरह के बारे में। ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसेस कंसर्न यूज द पावर ऑफ मीडिया टू सेल देयर प्रोडक्ट। तकरीबन तमाम कारोबारी लोग अपनी मसनूआत बेचने के लिए मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करते हैं। दे एडवर्टाइज इन मीडिया फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ बिजनेस पर्पसेस। वो कारोबार की तरक्की के लिए मीडिया में इश्तहारात देते हैं। ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी आर इन्वेस्टेड इन मीडिया फॉर मार्केटिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। अपनी मसनूआत की तशहीर के लिए मीडिया में बहुत बड़ी रकम इस्तेमाल करते हैं, खर्च करते हैं। द मोर एट्रैक्टिव द एडवर्टाइजमेंट, द मोर पीपल विल फॉलो इट। जितना ज़्यादा इश्तहार पुरकशिश हो, इतने ज़्यादा लोग इसके पीछे आएंगे। लास्टली, आखिरी, इवन दफ देयर आर लॉट ऑफ प्लस पॉइंट फॉर यूज़ ऑफ मीडिया, बट देयर आर आल्सो मैनी डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद इट। आखिर अगरचि मीडिया के इस्तेमाल के बेशुमार मुसबत फवायद हैं, मगर इससे मुतालिक कई नुकसानात भी हैं। मीडिया हैज़ द बैड इफ़ेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग बेसलेस आइडिया थ्रू एडवर्टाइजमेंट। और मीडिया का बुरा असर ये है कि ये इश्तहारात के ज़रिए बेबुनियाद नज़रियात, बेसलेस आइडिया, बेबुनियाद नज़रियात, ख़यालात पैदा करते हैं। The people are forced to buy harmful or substandard product. Our लोग
को मजबूर किया जाता है कि वो सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट गैर मयारी चीज़ें खरीदें। सम टाइम बाज़ औक़ात द मीडिया डिवेलप अननेसेसरी सेंसेशन, बाज़ औक़ात मीडिया तवज्जो हासिल करने के लिए गैर ज़रूरी सनसनीखेज फैलाता है एंड डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रूथ और सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स पावर टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया कैन मेक और ब्रेक द गवर्नमेंट। लोगों की राय बनाने की क़ुव्वत की वजह से हुकूमतें के बनाने या तोड़ने में मीडिया असरअंदाज हो सकता है। इन पर्सपेक्टिव ऑफ द एबो एक्चुअलिटीज इट ट्रस्टेड दैट द गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक विल ट्राई देयर हार्डेस्ट और टू यूज मीडिया पॉजिटिवली। ऊपर बयान की गए हकायक द एबो एक्चुअलिटीज ऊपर बयान की गए हकायक के तनाजुर में ये बात यकीनी कह जा सकती है कि हुकूमत और आम लोग मुस्बत तरीके से मीडिया को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। थैंकिंग इन एंटिसिपेशन पेशगी का शुक्रिया, सिंसियर रिगार्ड, मुखलिसाना तस्लीमात, इब्रार खान। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ यूनिट नंबर 13।